हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो एक और एक एलसीडी के बारे में है और इसका प्रॉब्लम मैं दिखा दे रहा हूँ। ये अभी बैकलाइट मतलब पावर लाइट आया है और ये ऑन होगा लेकिन ये चालू नहीं होगा, देख सकते हो। और जिन लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई रिपेयरिंग का वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देख सकते हो इसका फॉल्ट यही है, इसका कोई ऑन हो गया है टीवी लेकिन स्क्रीन में लाइट नहीं आ रहा है और इधर जो लाइट है वो भी ऑफ हो गया है। तो देखेंगे अंदर क्या हुआ है, क्या फॉल्ट है। तो इसको खोल लेते फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। लाइट आया, ये बंद हो गया तो सामने लाइट नहीं है। तो खोलते हैं टीवी को, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं क्या फॉल्ट है। तो गाइस ये मैं दिखा देता हूँ कि बोल्ट क्या क्या बन रहा है और इसका फॉल्ट मैं फिर से नए तरीके से मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या फॉल्ट है। देख सकते हो यहाँ लाइट जल गया, यहाँ पर बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, ये बंद हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों का ये 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों का 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट बराबर बन रहा है। और 5 वोल्ट, 5 वोल्ट भी बन रहा है एकदम मस्त। और मेमोरी में 8 नंबर पिन में 3.5 वोल्ट आएगा, देख सकते हो 3.5 वोल्ट आ रहा है। और 4 वोल्ट बराबर, 5 वोल्ट भी बराबर, 12 वोल्ट भी बराबर, लेकिन हम लोगों का टीवी चालू नहीं हो रहा है। और यहाँ VCC में देख सकते हो जो LVDS केबल है वहाँ यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन जो LVDS में जाएगा वहाँ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। यहाँ मस्त आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, थोड़ा मीटर में भी दिक्कत है। तो मैं मीटर चेंज कर देता हूँ, ग्राउंड का ये देख सकते हो 12.5, यहाँ मेमोरी में 3.2 वोल्ट, ये भी सही है। कोर वोल्ट 1.8 वोल्ट आएगा, 1.1 वोल्ट, 17 वोल्ट ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कुछ वोल्ट फ्लैक्चुएशन हो रहा है, यहाँ 3.5 वोल्ट, यहाँ देख सकते हो कम ज़्यादा हो रहा है। तो यही दिक्कत है। तो इसका फॉल्ट ये मेमोरी में कम ज़्यादा वोल्ट हो रहा है, इसी कारण से ये टीवी चालू नहीं हो रहा। और LVDS केबल में ये देख सकते हो यहाँ कोई वोल्ट नहीं है, MB में दिखा रहा है। और मैं एनालॉग मीटर पे दिखा देता हूँ जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है वोल्ट, ये देख सकते हो। ये तो 12 वोल्ट है,
यहाँ देख सकते हो फ्लैक्चुएशन हो रहा है। ये देख सकते हो, मैं नज़दीक से दिखाने का कोशिश करूँगा क्योंकि ऐसा होता है। फ्लैक्चुएशन हो रहा है मीटर में, देख सकते हो। तो दिक्कत यही है, इसका कोई कैपेसिटर ख़राब है, इसलिए जो नॉर्मल वाला कैपेसिटर ख़राब है, क्योंकि हम लोग का जो 3.3 वोल्ट बनता है, ये 5 वोल्ट से यहाँ रेगुलेटर बना है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले इसको चेंज करके देखेंगे, ये वाला ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये वाला देख सकते हो, मैं फ्लैक्चुएशन हो रहा है, यहाँ काटा देख सकते हो हिल रहा है। पता चल रहा होगा, तो यही दिक्कत है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड का ये कैपेसिटर मेन जो यहाँ, ये देख सकते हो, ये रेगुलेटर लगा है एक, यहाँ 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनता है रेगुलेटर से, ये वाला। तो हम लोग ये वाला कैपेसिटर को चेंज करके पहले देखेंगे कि सही होता है कि नहीं, क्योंकि ये मेन मेन रेगुलेटर है, ये क्या इसी से 2 वोल्ट बनता है। ये देख सकते हो मिल रहा है वोल्ट, तो ये वाला कैपेसिटर को चेंज करेंगे पहले। ये फिर से हो रहा है फ्लैक्चुएशन, तो कैपेसिटर ये वाला चेंज किया हो, लेकिन अभी हम लोगों के ये वाला जो आईसी रेगुलेटर, आईसी मेन आईसी है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब है हम लोगों का। ये अभी चेंज नहीं करने से नहीं होगा, ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं अभी। तो गाइस, इसको मैं चेंज कर दिया हूँ, आगे मैं दिखा देता हूँ नाप के बोल्ट, और ये सही हो गया है। ये लाइट अभी चालू है तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देख सकते हो टीवी भी चालू हो गया है। ये आई वाला आईसी को मैं चेंज किया हूँ, तो अभी देख सकते हो यहाँ फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है। ये 3.3 वोल्ट, ये देख सकते हो फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है, और यहाँ भी देख सकते हो फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है मीटर में, और इधर 3.5 वोल्ट। ये रेगुलेटर ख़राब था, क्योंकि कैपेसिटर भी ख़राब होने से ऐसा फ्लैक्चुएशन होता है, लेकिन ये मेन रेगुलेटर ख़राब है, तो इसको मैं चेंज कर दिया हूँ। और टीवी ये ओके हो गया है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, थोड़ा एक नट लगा लेता हूँ। ये देख सकते हो चालू हो गया, दिक्कत ये रेगुलेटर में था, इसलिए टीवी ऑन नहीं हो रहा था, जो फ्लैक्चुएशन हो रहा था, रेगुलेटर ख़राब था। कभी कभी ये कैपेसिटर ख़राब होने से भी होता है, लेकिन जो रेगुलेटर मेन रेगुलेटर के पास जो कैपेसिटर लगा रहता है उससे भी होता है, लेकिन ये मेन रेगुलेटर ही ख़राब था। और एक बार चालू करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो लाइट है, ये भी ऑफ हो गया, और इधर देख सकते हो बैकलाइट भी चालू हो गया है।
गाइस, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी रिपेयरिंग का वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसको पैक कर देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ।